तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्त सर्वाइज मेरा नाम सुमन, आप देख रहे हैं क्रिकेट फुल इंडिया में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रैक सॉफ्टवेयर एंड मॉडिफाइड एप्लीकेशन के बारे में, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल ना होकर किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर अवेलेबल होते हैं। तो गाइस, अगर आप एक वीडियो एडिटर हो, अगर आपने अभी तक कोई वीडियो एडिट की होगी तो आपको ये वाटर मार्क प्रॉब्लम जरूर मिली होगी। जैसे कि आप काइनमास्टर एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, फिल्मोरा एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, या फिर पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। तो गाइस, इन एप्लीकेशन को यूज़ करते टाइम वहाँ पे एक वाटर मार्क पे होता है, वाटर मार्क लिखा होता है मेड विद काइनमास्टर, पावर्ड बाय पावर डायरेक्टर एंड फिल्मोरा का जो वाटर मार्क होता है वो देते हैं। तो गाइस, इस तरह आप इन वाटर मार्क को रिमूव करना चाहते हैं। एंड गाइस, इसको रिमूव करने के लिए आप फ्री जाते हैं यूट्यूब वीडियो को सर्च करते हैं, यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि कैसे हटाएं इन एप्लीकेशन से वाटर मार्क को। तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि डिस्क्रिप्शन कार्ड में एक लिंक मिल जाएगा जिससे आप डाउनलोड कर लीजिए इस वर्जन का, नहीं मोर वर्जन का बिना वाटर मार्क का एप्लीकेशन, जैसे कि काइनमास्टर हो गया, पावर डायरेक्टर हो गया। इन ऑफिशियल एप्लीकेशन के कोडिंग्स में चेंजेस किए जाते हैं, उन्हें मॉडिफाइड एप्लीकेशन बनाया जाता है। तो मोड का फेज से क्रिएट किया जाता है दूसरे डेवलपर के जरिए। जी हाँ गाइस, इन एप्लीकेशन को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको फोन हैक सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, इन एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने की गलती कभी मत करना। गाइस, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जैसे कि आप देखते हैं वहाँ पर सबसे पहले परमिशन मांगेगा, डिवाइस स्टोरेज एंड कॉन्टैक्ट कैमरा सब कुछ एक्सेस करने की आपसे परमिशन मांग लेता है, और आप उसे इंस्टॉल करने का परमिशन दे भी देते हो। और उसमें आप इस्तेमाल जब करते हैं तो वहाँ पर प्रीमियम तो कोई भी फीचर नहीं होता है, उसका वाटर मार्क रिमूव हो चुका है ऑटोमेटिकली। एंड उसमें कोई प्रीमियम फीचर आपसे नहीं मांग रहा है, उसमें आप वीडियो एडिट तो कर लेते हैं गाइस, लेकिन आप उस समय इसका कितना अच्छा इफेक्ट पड़ता है और कितना खराब इफेक्ट पड़ता है ये आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। दोस्तों, ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं आप किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से, तो ये आपको फ़ोन को स्टोरेज को एक्सेस करने की परमिशन तो आपसे मांगते हैं, जिससे ये आपको फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हैं, आपके गूगल अकाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं, आप पर्सनल कॉन्टैक्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं, ये ले सकते हैं कॉन्टैक्ट को, आपको मैसेजेस को चेक कर सकते हैं, आपको व्हाट्सअप अकाउंट को चेक कर सकते हैं, एंड आपको प्राइवेसी में बहुत ही ज़्यादा दखल कर देते हैं। एंड इन एप्लीकेशन में इतनी ज़्यादा कोडिंग होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ कि इन एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के दूसरे दिन ही आपका फ़ोन इतना स्लो चलना लगेगा कि आपको लगेगा मेरा फ़ोन जो है हैंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ़ोन ज़्यादा हीट हो गया। अगर आपको कन्वर्सर फ्री में चाहिए उन्हें बिना वाटर मार्क वाला, तो मेरे डिस्क्रिप्शन पार्ट में एक लिंक है, वो उसमें आप जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दीजिए। ये कोई मोड एप्लीकेशन नहीं, ना कोई क्रैक सॉफ्टवेयर गाइस, ये काइनमास्टर का ओल्ड वर्जन यानी पुराना वर्जन है। गाइस, मैं आपको बता दूँ, जब आप उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @काइनमास्टर, या फिर अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट होंगे वहाँ के लिंक दिए होते हैं। गाइस, इससे पता चलता है कि एक प्रोफेशनल ऐप है, यानी कि कोई भी क्रैक सॉफ्टवेयर नहीं है। और अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से अभी तक आपने डाउनलोड किया होगा काइनमास्टर पावर डायरेक्टर, तो वहाँ पे ये लिखा नहीं मिला होगा गाइस कि हमें फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, ये पहली ट्रिक, और दूसरी ट्रिक रही गाइस कि आप जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो उसके अगले दिन ही आपको फ़ोन इतना स्लो हो जाता है और हीट हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा इरीटेट हो जाते हैं, एंड उससे आप बच सकते हैं, अपने फ़ोन को आईफोन से बचा सकते हैं। गाइस, ये कोई ट्रिक नहीं जिससे आप उस एप्लीकेशन लोगों को, बल्कि बे बचने की ट्रिक है जिससे आप अपने फ़ोन को हैक होने से बचा सकते हैं। गाइस, हैकर बेसिकली इन सभी में जितनी कोडिंग्स होते हैं उनके जरिए आपके फ़ोन को सभी चीज़ों का एक्सेस कर लेता है। एंड गाइस, इन सभी एप्लीकेशन को दूसरे डेवलपर द्वारा मॉडिफाइड किया जाता है, उसमें अपने सॉफ्टवेयर मतलब उसमें अपनी कुछ कोडिंग्स डाली जाती हैं, पर्सनल कोडिंग्स डाली जिससे वो अगर उसे एक्सेस करना चाहे तो उसके ज़रिए आपके फ़ोन को एक्सेस कर सकता है। गाइस, अगर आपका फ़ोन जो है गाइस ऑटोमेटिकली इन एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप समझ लीजिए कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है इन सभी ऐप के माध्यम से। दोस्तों, कैसे लगे मेरी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो। इसलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड वंदे मातरम।